तो सुल्तान भाई ने सारे कबूतर उड़ा दिए भाई, देखो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ ये देखो माशाल्लाह से। तो ये सुल्तान भाई ये किस कलर में बन रहा है? ये मुझे लगा चेकर पाइड में बन रहा है। चेकर पाइड में बनेगा ये माशाल्लाह से बड़ी क्वालिटी में बन रहा है। दुबार बन रहा है ये, दुबार चेकर पाइड में, ये वाइट बन रहा है, ये वाइट बन रहा है पाइड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेजर पैट्स 2.0 में खुश आमदीद। तो सुल्तान भाई आज का क्या प्लान है, क्या करने लगे हो यार? भाई जान मैं क्या करने लगा हूँ, माहौल बनाने लगा हूँ मैं। माहौल कैसे बनाने लगे हो यार? न्यू कबूतर सारे ओपन कर दिए हैं भाई जान। सारे कबूतर कर दिए ओपन, सारे कबूतर जिनका टैग। और दूसरा यार हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो ये पूछ रहे हैं कि यार रेसरों के बारे में कोई टिप्स बताया करें हमें यार। तो यार हमें हमसे जो यानी कि आप चाहते हैं पूछना, पट्टी चलानी है, कोई कबूतर डिस्टर्ब है, बीमार है, वायरस में है, तो वो हमसे यार हमारे दोस्त पूछ लिया करें, हम भाईजान बताएंगे। तो यार दूसरा एक चीज और है यार, जो हमारे दोस्त है ना वो काफी ये पूछ रहे हैं कि रेसरों की ट्रेनिंग के बारे में बताया करें कि इनको कैसे गिरदान करें, कैसे इनकी हिफाजत वगैरह करें, कैसे उड़ाएं। सबसे पहले सुल्तान भाई आप मुझे एक चीज बताएं यार जी, जो इनके बच्चे होते हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाता है पहले पहले? भाईजान मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने हम लाइव लेके आने वाले हैं, बस कुछ बच्चे हमारे ब्रीडिंग शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ताला हम लाइव दिखाएंगे आपको, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दानियाल, ऐसा है नहीं कि हम भाइयों को अपने वो दिखाएंगे। अच्छा तो सुल्तान भाई कह रहे हैं कि बच्चे हमारे जो ब्रीडिंग सेटअप में है वो निकल आए हैं भाई, वो सेल्फ हो जाएंगे, मतलब के साथ साथ आपके साथ ट्रेनिंग शेयर करेंगे। दूसरा सुल्तान भाई आज तो रेसर भी और टुकड़ी वाले भी भाई, रात वाले रेसर भी सारे इकट्ठे खोले हुए हैं, क्या वजह है? ये बस यार दानियाल जो है ना इर्द गिर्द वाले थोड़े थे ना टटेरियां जो थी ना वो थोड़ी सी उछल रही थी कि सुल्तान और दानियाल हो गए ठंडे। अच्छा हमने अपने कुछ कबूतरों को इधर उधर कर रखा था। अच्छा अच्छा जैसे ही आप दानियाल खोले ना तो सारे जो है ना सुल्तान बंद करके भाग। तो सुल्तान भाई एक आंटा करके चेक करा दो यार मुझे भी जरा। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ, आंटा करके जरा एक माहौल ऐसा बना के दिखा दो मुझे। तो सुल्तान भाई ने सारे कबूतर उड़ा दिए हैं भाई, देखो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो देखो जी सुल्तान भाई कुछ शटर में ही बैठे हैं, वो तो उड़ा दें। बैठे हैं वो देखो ऊपर भी चढ़े हुए हैं दानियाल। हाँ वो भी फिर रहे हैं भाई वहाँ पे यार। ये जो है ना अपने आसे पासे वाली कटेरी है ये सोचेंगे सुल्तान दानियाल खामोश हो गए हैं और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे बम बारूद पड़े हुए ना कि दानियाल एक दफा हमने भिड़ गए ना तो बस रगड़ा उतार देना। तो यार जो जो हमारी वीडियो देखते हैं मतलब के अगर किसी भाई ने रेसर कबूतर रखे हुए ना तो उन्होंने कमेंट में हमें लाजमी बताना है कि भाईजान हमने भी रेसर रखे हुए हैं, उनकी नस्ल का बताना है कि इस नस्ल के रखे हुए हैं। कमेंट में हमें लाजमी आपने बताना है जिस भाई ने इंडिया से पाकिस्तान से जिन्होंने रेसर कबूतरों का शौक किया हुआ ना उन्होंने हमें कमेंट में लाजमी बताना है। भाईजान हम ये भी लाजमी बता सकते हैं कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियत दी है दानियाल के कबूतर को देखते ही हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी इसके साथ इसका जोड़ा बैठेगा। अच्छा अच्छा इस आंख का जोड़ा यानी कि ये मादी की आंख ये है, नर की आंख ये है, आप हमें शेयर करें। तो यार सबसे बड़ी बात बताऊं क्या, जब पेयरिंग करते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा चीजें देखी जाती हैं, कबूतर का स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसकी आईज देखी जाती है, फीमेल की कैसी आईज होनी चाहिए, मेल की कैसी। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि नस्ल अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है सारा कि भाई इसको कैसे मतलब के मैनेज करना है पेयर को। बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसे ही यानी कि बच्चे निकलते हैं वो ट्रेनिंग तो हम आपको लाइव दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला जब आप जोड़े लगाओगे। और दूसरा सुल्तान भाई मोटू के बच्चे को तो शौक करा दें यार, काफी दिन हो गए हैं, दिखाएं जरा कितने बड़े हो गए हैं, कैसे बन रहे हैं माशाल्लाह से जी। अभी तो बड़े क्या हो गए हैं, अभी तो पांच भाई खुला रहना, दिखा मुझे ऐसे दिखा दो आप। हाँ ये देखो माशाल्लाह से। तो ये सुल्तान भाई ये किस कलर में बन रहा है? ये मुझे लगा चेकर पाइड में बन रहा है। चेकर पाइड में बनेगा ये माशाल्लाह से बड़ी क्वालिटी में बन रहा है बच्चा भाई। बन रहा है ये दुबार चेकर पाइड में, ये वाइट बन रहा है, ये वाइट बन रहा है पाइड में। हाँ पाइड में मतलब कि वाइट और कुछ ब्लैक होगा इसको पाइड बोलते हैं, इसको चेकर पाइड बोलेंगे। ये हमारे घर के बच्चे हैं मोटू के, ये बच्चे दानियाल जो हमारी चिट्टे नहीं है। हाँ ये यहाँ पे बैठे वाले ये वो बनेगा। और इसने भी अंडे दे रहे हैं यार। इसने अभी ये, इसकी मादी ने एक अंडा दिया है, ये हमारा मेल है भाईजान। ठीक है इंपोर्टेड मेल है, इसकी मादी ने भी अंडा दे दिया माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह तो ये मेल दानियाल ऐसा है बाहर का, ये देखो डबल रिंग है, बाहर की रिंग पड़े हुए हैं। ये बाहर चेक करें जी माशाल्लाह जी, ठीक है ना, ये डबल रिंग है, कमाल का मेल है यार। और इसका माशाल्लाह से इसकी भी बड़ी खुशी है
कि इसने भी मादी ने यानी कि ब्रीड कर दी है, ब्रीड कर दी है माशाल्लाह से बच्चे निकलेंगे। तो सुल्तान जी किसका कबूतर आ रहा है ये लाल अपना ही है यार, ये तो वो सारे वो फिर रहे हैं भाई, देखो सुल्तान को नीचे उतार, शटर वालों को उड़ा के तरह साइड पे छपरी पे बुला। हमारे कबूतर ऊपर चले, टेरी ने देख लो अंडा फेर लिया भाई, मुदाई ने खोल दिया कबूतर, वो चेक करो नहीं अंडा यूं फेर रहा ना कि कबूतर ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी मैं नीचे बुला सकता है, नीचे बुलाओ इनको जरा, कबूतर बंद कराते हैं इनके, अभी बंद करा लेते हैं। सुल्तान भाई दूसरा एक और चीज बताएं यार, ये टुकड़ी वाले यहाँ पे क्यों रोके हुए हैं यार, ये देखो ये वाले, ये जो है ना दानियल भाई, न्यू कबूतर जितने थे ना जो डब्बों में, चेक करें जितने भी न्यू कबूतर थे ना टुकड़ी वाले, सारों को यहाँ पे छोड़ दिया भाई, क्योंकि अभी ये फ्लाइंग में आ गए हैं, तैयार हो रहे हैं, तो इनकी यहीं पे सेटिंग होनी है सारों की। अभी यानी कि कच्ची कलियां हैं, इनको इनके साथ नहीं खोल सकते। अच्छा अच्छा, तो शाम के टाइम खोलेंगे, छपरी पे बैठ सकें, ये सारा माहौल देख सकें। सही, उसके बाद आंटों में लेंगे इन्हें, तो जैसी कलियां पूरी हो जाएंगी आंटों में लेके, उसके बाद आराम से माशाल्लाह से बिड़ा देंगे इन्हें, फिर चेकिंग। तो भाईजान टुकड़ी वाले और सारे रेसर जो हमने उड़ाए थे सारे माशाल्लाह से नीचे आ गए हैं, देखो ये उतर रहे हैं सुल्तान भाई, ये सारे देखो ये चेक करें जी, ये देखिए दानियल सारे नहीं है, अपने रेसर तो निकल चुके हैं, ये सारे आ गए हैं देखो जी। बाकी जो रेसर है ना वो देखो दानियल, वो आ रहे हैं कुछ कुछ ऊपर फिर रहे हैं, वो देखो निकले हुए हैं ये सारे आ गए हैं, यानी कि आज जो है ना इन्हें ऐसे खोल दिया आज यार, माशाल्लाह बहुत बहुत मजा आ रहा है सुल्तान भाई। मजा मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह से, चलो मौसम भी आज अच्छा है, बेहतर है, हवा चल रही है, हवा चल रही है और ये इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दानियल काफी दिनों से इस वजह से नहीं खो रहे थे यार, पतंगबाजियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे पहले भी कबूतर कुछ शार्ट हुए ऐसी है, उसकी वजह से जो है ना डर बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ था, क्योंकि यार पतंग में ना काफी रिस्क लड़ के हमारे जाया हो गए हैं, फिर लोग देते नहीं है यार, यहाँ के लोग फिर कबूतर पकड़ लेते हैं पतंग में अड़ के, तो वो देते नहीं है, बेईमानी करते हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं किया, कभी भी किसी का कबूतर ऐसे आया तो हमने यार उसको वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है। बाकी ये माशाल्लाह से ये आ गए हैं देखो जी, ठीक है। तो सुल्तान भाई जी जी, काफी दिन हो गए हैं यार, कोई शिकार वगैरह नहीं आया यार, शिकार अब ठंडे हो गए हैं, शिकार क्या वजह है यार ठंडे, हम भी तो यूं ही हो गए ना पतंगों की वजह से, कुछ हम वो नहीं कर रहे थे फोकस, अब जैसे पतंगे माह रमजान आ रहा है आगे, उसमें तो फिर पता है कि तुम्हें हर किसी ने रोजा रखना है और अपने सुकून करना है, पतंगबाजी खत्म हो जाएगी। और दूसरा बताऊं क्या है भाई, जो शिकार करने का मजा है ना वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है, कि मजा आता है बड़ा, ये बात नहीं है लोग कहते हैं कि चिड़ी मारी और यार कहते रहे वो मसला नहीं है, बताओ क्या मजा आता है उसको पकड़ना, उस पर मतलब के कैसे फोकस रखना, इस चीज का बहुत मतलब के मजा आता है इस चीज का, यानी कि हमें शिकार करने में दानियाल इतना मजा आता है ना, सुकून मिलता है, बाकी ये आ गया जी रेशर माशाल्लाह के लिए। और दानियाल माह रमजान में जो हम चीज लेके आने वाले है ना वो ये है कि ज्यादा फोकस हमारा रात की तरफ आ जाएगा दानियाल, ऐसी है जी रात की तरफ ऐसे आएगा, क्योंकि दिन में लोगों के रोजे होंगे सब, ऐसा होगा सीन रात को इंशाल्लाह ताला। और बाकी दूसरा भाईजान एक चीज हो रहा है, रात के जो कबूतर होगा कबूतर है ना उनको ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं, उनको बाहर दूर से छोड़ के आए करेंगे रात को, वो भी आपको मतलब के दिखाएंगे, और उसमें भी बहुत मजा आने वाला है, कबूतरों को मतलब के दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, बीच में हमने स्टॉप कर दी सर्दी की वजह से, लेकिन अब सर्दी चली गई है और दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं, और बहुत माहौल बनने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा आपने सब्सक्राइब ठोकने हैं, क्यों सुल्तान भाई चैनल को जो है ना हमारे को ऐसे सपोर्ट करनी है आपने, के बस एकदम बूम मार देना है ऐसे ही, हम भी आपको इंशाल्लाह ये देखो जी बूम मार के दिखाएं, माशाल्लाह जी देखो कबूतर दानियाल एक से एक छोड़ देना है माशाल्लाह ये। तो सुल्तान भाई जी हम भी निकलते हैं यार, क्या कहते हो निकलते हैं यार, तो यार इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अल्लाह हाफिज़।